जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित अपना दोस्त आज एक और नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ दोस्तों आप सबके लिए। आप लोग हमेशा से हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं और लाभान्वित होते रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। आइए हम आज आप सबको बताने जा रहे हैं एक और बेहतरीन और अच्छा टॉपिक, मखाने खाने से डायबिटीज़, किडनी, पाचन, मर्दाना कमजोरी, प्रजनन क्षमता सहित अनेक रोगों में चमत्कारिक फायदे होते हैं दोस्तों। मखाने का इस्तेमाल नमकीन मिठाई से लेकर खीर बनाने के लिए होता है। मखाने से खीर व मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि मखाना पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा यानी कि खान होता है, जो आपके कई रोगों को भी ठीक करता है, शरीर को सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम आज आपको मखाने के फायदे बताने जा रहे हैं, उसके गुण बताने जा रहे हैं आपको दोस्तों। मखाने में पौष्टिक तत्वों की भरमार होती है। मखाने में कैल्शियम, विटामिन बी और आयरन होता है। डायबिटीज़ में ये लाभदायक होता है दोस्तों। जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है उनके लिए मखाना किसी दवा से कम नहीं है। मखाना खाने से इंसुलिन का बहाव शरीर में कम हो जाता है। मखाना खट्टा और मीठा होता है, जिसे खाने से डायबिटीज़ की रोकथाम होती है। किडनी के लिए लाभदायक, जी हाँ, मखाना खाने से किडनी स्वस्थ रहती है, क्योंकि इसमें स्वप्लीन को डिटॉक्सिफाइड करने की क्षमता होती है और इस वजह से किडनी को पोषक तत्व की मात्रा ठीक से मिलने लगती है दोस्तों, जिससे कि किडनी में जमी गंदगी से लेकर बीमारी तक दूर हो जाती है। दर्द में दवा का काम करता है ये मखाना। हड्डियों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या घुटने का दर्द, मखाना खाने से ये दर्द ठीक होने लगते हैं। मखाने में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यह शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है, बढ़ती उम्र को रोकता है। एंटी एजिंग गुण होते हैं मखाने में। मखाने में बढ़ती उम्र को रोकने की क्षमता होती है दोस्तों। मखाना एंटी एजिंग के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है, जो उम्र को रोकने में सहायता करता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक जवान बने रह सकते हैं। झुर्रियां और बालों का सफ़ेद होना भी मखाने से कम हो जाता है दोस्तों। पाचन और पेट संबंधी परेशानी, मखाना खाने से पेट और पाचन तंत्र दोनों ठीक रहता है। हर उम्र के लोगों को यह आसानी से पच जाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन्हें मखाना जरूर खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत होता है। दस्त या पेचिश में मखाने को देसी घी के साथ भूनकर खाने से राहत मिलती है दोस्तों। अच्छी नींद और तनाव में मखाना खाने से बहुत लाभ होता है दोस्तों। रात को दूध में मखाने डालकर खाने से आपको अच्छी नींद आती है, यह शरीर की कमजोरी को दूर करता है, साथ ही तनाव को भी ख़त्म कर देता है। दिल की बीमारी में मखाना, मखाने में एस्ट्रोजन गुण होते हैं जो आपको दिल के रोगों से बचाता है। मखाना दिल की सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। कमजोरी दूर करना, मखानों का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फिट रखने में मदद करता है। मखाना शरीर के अंग सुन्न होने से बचाता है तथा घुटनों और कमर दर्द पैदा होने से रोकता है, यानी कि आपको कमर दर्द में भी यह लाभदायक होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी महसूस करने वाली महिलाओं को मखाना खाना चाहिए दोस्तों। मखाना का सेवन करने से शरीर के किसी भी अंग में हो रहा दर्द खुद ब खुद ठीक होने लगता है। मखाना का सेवन करने से शरीर में हो रही जलन से भी राहत मिलती है। मखाना को दूध में मिलाकर खाने से जलन में आराम मिलती है। मखाने के सेवन से दुर्बलता मिटती है तथा शरीर पुष्ट होता है।
नपुंसक था। वैवाहिक जीवन और पति पत्नी के रिश्ते को दांव पर लगा देता है यह नपुंसकता। लेकिन इस बात के लिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप घर पर ही आसानी से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करके नपुंसकता से मुक्ति पा सकते हैं। मखाना एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो बड़े ही स्वादिष्ट तरीके से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता घोलता है। मखाने में जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल और फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व होते हैं, वो कामोत्तेजक होते हैं दोस्तों, जो आपकी कामोत्तेजना को बढ़ा देते हैं। साथ ही शुक्राणुओं के क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ उनकी संख्या को भी बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिससे कि आपका सेक्स लाइफ बहुत ही सुदृढ़ एवं पुष्ट हो जाता है, भरपूर हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मखाने के और भी बहुत सारे गुण हैं आपके लिए। शारीरिक पौष्टिकता यानी कि पुष्टता, शारीरिक पुष्टता से बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। अगर हमारा शरीर शक्तिशाली है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आज आपने जाना कि मखाने से क्या क्या लाभ हो सकता है। धन्यवाद।